मैं हूं आपकी अपनी सुलमित शिवाना और हम करने जा रहे हैं जुलाई 2022 के लिए लव रीडिंग। तो देखते हैं क्या है पिटारे में टैरो कार्ड के और एंजल कार्ड के, एंजल हीलिंग कार्ड के आपको वो क्या बताना चाह रहे हैं, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है अपनी लव लाइफ में, किन चीजों को करना है, किन चीजों को नहीं करना है और पूरा जो ये जुलाई का 2022 का जो ये महीना है थ्रू आउट क्या एनर्जीज रहने वाली है वो हम बताएंगे। तो हर महीने में चार वीक्स होते हैं, चार हफ्ते होते हैं, तो हर हफ्ते के लिए हम एक कार्ड निकालेंगे और उसकी एनर्जी आपको डिस्कस करेंगे और आपको गाइडेंस मिलेगा कि आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। और लेट्स सी योर लव एनर्जीज फॉर 2022 जुलाई मंथ। कर्क राशि, हाँ कर्क राशि, कैंसर राशि वाले के लिए देखते हैं। कैंसर के लिए चार कार्ड निकालते हैं लव लाइफ के, चार हफ्ते और चार कार्ड। फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, ओ माय गॉड, थर्ड कार्ड एंड देन फोर्थ कार्ड। ओके कैंसेरियंस, आपके लिए क्या कहती है लव लाइफ। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स, रोमांटिक। ये हफ्ता तो बहुत ही रोमांटिक जाने वाला है आपका फर्स्ट वीक। रिमझिम बारिश भी शुरू हो गई है, ऐसा लग रहा है इजहार कर ही दीजिए, हाँ हो ही जाएगी, अच्छा टाइम स्पेंड होगा ही होगा, यानी कि जाइए घूम फिर के आइए और वेरी रोमांटिक वीक फॉर यू बोथ, खुश रहिए। सेकंड वीक में थोड़ा सा आप चाहेंगे कि चलो ये तो हो गया, फर्स्ट वीक तो चले गया, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, जितना मिल रहा है उसी में खुश रहिए ना, लेकिन सेकंड वीक में एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। या कह लीजिए कि जो आपका पार्टनर है वो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा देगा। अब जैसे कि एक हफ्ते तक आपको आज यहाँ डिनर कराया, वहां कल लंच कराया, परसों वहां ब्रेकफास्ट कराया, चौथे दिन कहा घर में आलू के पराठे बना लो, तो ऑब्वियसली जो है ड्रीम तो नीचे आ जाएगा ना कि भाई अभी तो हम रोज जाते थे बाहर, आज क्या हो गया। तो वही जो है एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, तो जिससे कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, वो आपको भूख आपकी थर्स्ट आपकी बढ़ा देंगे आपके पार्टनर, तो उससे थर्ड वीक में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि वो चीज आपको नहीं मिल पाएंगी। अब ये कह लीजिए उनके काम की वजह से या उनके किसी और वजह से, बिजी होने की वजह से आपको नहीं मिलेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या उनके जो है एक्सप्रेशन से, कई बार होता है ना एक्सप्रेशन भी उस तरह से नहीं आ पाते, आज बहुत कह रहे हैं आई लव यू और नेक्स्ट वीक नेक्स्ट डे नहीं कह रहे हैं, कहते हैं ओके, बार बार कहने की क्या जरूरत है। तो लगता है ना यार ये क्या हुआ, कल तो ऐसे थे आज ये हो गया, एक ही दिन में क्या चेंज हो गया, तो वो कंफ्यूजन की स्थिति आ सकती है। एंड देन जस्टिस, आप सोचेंगे अभी हमें बात करनी है या एक दूसरे को टेस्ट करने लगेंगे। तो ये दिख रहा है मुझे कैंसरियंस आपकी लव लाइफ में, तो ये दोनों को आपको हील करना है, हा? ठीक है। कभी कभी खिचड़ी भी खानी चाहिए ना, हमेशा पिज्जा थोड़ी खाना चाहिए, यानी कि रोज बहुत अच्छा वक्त चल रहा है तो थोड़ा सा डिस्टेंस भी अपने आप ही, जब आपको लगे ना ये सिचुएशन आ रही है तो अपने आप को डिस्टेंस क्रिएट कर लेना, जिससे कि जब डिस्टेंस क्रिएट करेंगे तब उनको आपकी याद आएगी और तब आपको दोबारा से वो वाला जो है ना नाइट ऑफ कप्स वो वाला कार्ड दोबारा से आ जाएगा। अब देखते हैं चंद्रमा मन क्या कहता है आपका इस मंथ। वो कहता है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे फेथ रखिए भाई, मन को समझाइए कहीं नहीं गया, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, अपने मन को काबू में रखिए और फेथ रखिए, सब कुछ अच्छा रहेगा। एंड देन स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वही ना जो आप अट्रैक्ट करेंगे वही होगा, जरा सा उन्होंने अगर आपको थोड़ा सा नजरअंदाज किया तो आप सोचेंगे अरे भाई ये तो मुझे प्यार ही नहीं करते, ये तो मेरे को धोखा दे रहे हैं, ऐसे सोचेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप कहेंगे प्यार करते हैं तो वो प्यार और बढ़ेगा, कहेंगे हाँ प्यार और करते हैं तो फिर और बढ़ेगा, वो एड 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 होता चला जाएगा। तो अपने प्यार को एड करिए। और देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं हमारे कैंसेरियंस। वो कह रहे हैं ट्रस्टवर्दी, ऑनरेबल, डिवोटेड, कॉशियस, समवन यू कैन कंप्लीटली ट्रस्ट, आप इन पे विश्वास कर सकते हैं, अ सिचुएशन दैट इज सेफ, अ सॉलिड रोमांटिक रिलेशनशिप, हिडन बट वेल इंटेंशन्ड इमोशन, अ चैरिटेबल बेनिफेक्टर, सीइंग अ काउंसलर। ज्यादा काउंसलर को देखने की जरूरत नहीं है, विश्वास करिए अपने पार्टनर पे और बस फेथ ही कुंजी होती है एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा जिससे मेरी सारी वीडियोस आप पे
समय पे पहुंच जाए। और अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो रीडिंग तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और अगर आप करवाना चाहते हैं तो भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मैसेज के थ्रू व्हाट्सएप पे 9818130040। ओनली मैसेज प्लीज, नो कॉल्स। वीडियो कॉल तो बिल्कुल भी नहीं, कई लोग एकदम से तुरंत से कॉल करते हैं तो मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ। ठीक है, अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।